आज हम बनाते हैं ग्रीन पनीर करी। ये कुछ खास चीजें हैं जो इसमें ऐड होगी। टमाटर, प्याज, पुदीना है, अदरक है, लहसुन है और 200 ग्राम पनीर। कुछ काजू लेंगे मुझे तड़के के लिए, अलग से रेसिपी है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हम मिक्सर लेंगे और उसमें ये सारी चीजें डालेंगे। गार्लिक और जिंजर डाला हमने, अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें बन जाएगी। ये हरी मिर्ची 4 पीस है, तीन प्याज के टुकड़े हैं, सॉरी 4, ये पुदीना डाला हमने और ये धनिया भी डाल दिया इसमें ही। अब इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, वेल मिक्स करके इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हो गई है ग्रीन चटनी जैसे तैयार हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। तीन टमाटर डालेंगे, वापस ढक्कन लगा देंगे उसका और फिर से अच्छे से कटाएंगे। ये हो गई हमारी ऑलमोस्ट ग्रेवी तैयार हो गई है, कच्ची ग्रेवी है। अब एक कढ़ाई लेंगे हल्की मध्यम, और उसमें तेल डालेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चम्मच तेल डाल दिया हमने। थोड़ा सा गर्म होने देंगे तेल को, तेल डाल दीजिए और सबसे पहले प्याज डालिए इसमें। ये डाला हमने प्याज, इस तरह से पनीर के छोटे छोटे पीस बना लीजिए। इस तरह से पनीर को काट के रेडी कर दीजिए। प्याज को 3 से 4 मिनट हमने किया है, रोस्ट किया है। अब प्याज हो चुकी है गोल्डन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करना है और फिर इसको बाहर निकाल लीजिए। अब इसमें हम जीरा डालेंगे,
सेकेंड थिंग रहेगा जीरा, और उसमें अपनी पूरी ग्रेवी जो हम लोगों ने मिक्स की है वो डाल देंगे। अब इसमें नमक रहेगा, ये हमने डाला नमक, दो स्पून जितना, टीस्पून, दो टीस्पून। अब इसके बाद टर्मरिक रहेगा, हल्दी आधा टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। लगभग 4 मिनट के बाद हमने खुद से देखना है, मसाला पक गया है। अभी मसाला ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम उसमें पनीर मिलाएंगे। पनीर डाल दीजिए, बेहतरीन और खुशबूदार ग्रेवी वाली सब्जी तैयार हो रही है अभी। और इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे हम, आधा टीस्पून चलेगा, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमने जो पहले फ्राई किया था प्याज को, अब इसमें ऊपर से हम डाल देंगे। तीन मिनट के बाद अपनी सब्जी तैयार हो गई है, अब हम इस पर थोड़ा सा काजू ऊपर से गार्निशिंग फिनिशिंग के लिए डाल देते हैं। ये हो गई हमारी पनीर की सब्जी, तैयार है खाने के लिए।